देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर है। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेकों कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल आदि के यज्ञों के फल से भी ज़्यादा है। सभी तीर्थ में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि जागरण के फल के बराबर है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धा अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना ज्यादा है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में
प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान बताइए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह भी समझाइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करें और व्रत को आरंभ करें। उसकी रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे, कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ दे, इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते या स्पर्श करते या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या फिर रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे 1,000 कोटि योग तथा भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा के दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का समीपत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊ दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति दिन देव मंदिर में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी भी वस्तु का त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं
उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।